ओम नमो भागवते वासुदेवाय, नमो भागवते वासुदेवाय, नमो भागवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं स्कंद 5 अध्याय 25, भगवान आनंद की महिमा। दिस इज इंटरेस्टिंग। पहले श्लोक से पढ़ रहा हूं मैं। श्री शुक उवाच, तस्य मूल देशे त्रिंशत् योजन सहस्रांतर आस्ते यावै कला भगवतस्तांसी समाख्यातान अनंतः अनंतः इति सात्वतिया द्रष्टदृश्ययोः संकर्षणम् अहम् इति अभिमान लक्षणम् यम् संकर्षणम् इति आचक्षते। इंटरेस्टिंग है। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, पताल लोक के 240,000 मील नीचे, 240,000 मील नीचे भगवान के अन्य अवतार निवास करते हैं। वह भगवान अनंत अथवा भगवान संकर्षण कहलाते हैं और भगवान विष्णु के अंश हैं। वह सदैव दिव्य पद पर आसीन है, किंतु तमोगुणी देवता भगवान शिव के आराध्य होने के कारण कभी कभी तामसी भी कहलाते हैं। भगवान अनंत सभी बदजीवों के अहम तथा तमोगुण के प्रमुख देवता है। जब बदजीव वह सोचता है कि यह संसार भोग्य है, मैं उसका भोगता हूं, तो वह जीवन दृष्टि संकर्षण द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार संसारी बदजीव स्वयं को ही परमेश्वर मान लेते हैं। Now that's interesting. Anyway, I'll explain. मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ओम अज्ञानात्मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। वेल, अनंत शेष के बारे में बता रहे हैं, वो कौन है और वो क्या करते हैं, और स्पेशली कौन बता रहा है? भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को बता रहे हैं, और अनंत देव का फंक्शन क्या है वो भी बता रहे हैं, कैसे दिखते हैं और करते क्या है। अनंत देव हमें पता है भगवान विष्णु की शेषाशयी, भगवान विष्णु जिस पे लेटते हैं शेषनाग, उनको अनंत देव भी कहते हैं। सो यहां पे कह रहे हैं तस्य मूल देश है। पहली बात है अनंत देव रहते कहां हैं। नाउ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी तो नहीं बता सकती आपको, बट सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तस्य मूल देशे त्रिंश योजन सहस्त्रांतर, मतलब 30 योजन, मतलब टोटल। एनीवे यहां पे कैलकुलेशन की हुई है, कैसे है ये 30,000 योजन है। त्रिंश योजना सहस्त्रांतरा 30,000 योजन, या दूसरे शब्द में कह लीजिए 240,000 मील, 8 से 24, 30,000 योजन, 240,000 मील पताल लोक के नीचे रहते हैं भगवान अनंत। अगर उनसे मिलना है तो आपको आ जाना पड़ेगा। वैसे पताल लोक ही पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि पताल लोक कहाँ है, मतलब ये भूलोक है, तो भू के नीचे होता है। फिर 6 लोक और हैं, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल,
रसातल और पताल, और फिर उसके नीचे आनंद देव है 2,40,000 मील। अतल वितल सुतल तल आतल महातल रसातल और पताल, 7 हो गए, और उसके नीचे फिर रहते हैं। ये तो उनके रहने की जगह हो गई। आस्ते ऑफ कोर्स आई मीन टू से वो भी डिस्टेंसेस दिया, तल का है, वितल का है, सुतल का है, तलातल का है, वहां पे क्या क्या होता है वो भी बताया गया। मतलब बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इनफैक्ट जो मायापुर में जो वैदिक प्लेनेटोरियम बन रहा है वो इसी के अकॉर्डिंग बन रहा है। और जाओगे तो आपको अतल वितल सुतल उस वहां पे कौन कौन रह रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, सब कुछ बताएंगे। और आस्ते सवई कला, और वो कौन है, वो भगवान के अंश के अंश हैं। कला कला मतलब होता है अंश, अंश के अंश, कला वैसे अंश को भी कह देते हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान विष्णु से संकर्षण उत्पन्न होते हैं, भगवान कृष्ण से विष्णु आए है नहीं, और विष्णु से कौन आए, संकर्षण, तो अंश के अंश हो गए नहीं। तो ही एक्चुअली अनंत देव को चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि अनंत देव भगवान सेवक है, श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी लिखते हैं। वही अनंत देव कहां से आते हैं, संकर्षण से, और संकर्षण कहां से आते हैं, बलराम जी से। आइडियली कृष्ण से नहीं आते, बलराम जी से आते हैं। सो हाउ डज इट गो, तो पॉइंट ये है कि संकर्षण को भगवान सेवक भी कहते हैं, क्योंकि वो भगवान है, क्योंकि भगवान के अंश है, मगर सेवक की तरह एक्ट कर रहे हैं। भगवान होते हुए भी सेवक की तरह एक्ट कर रहे हैं। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, मतलब भगवान ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये समझ लो उस सेंस में। जैसे राधा कृष्ण है, राधा भी भगवान ही है, मगर वो भगवान की सेवक के रूप में फंक्शन कर रही है, हमें सिखाने के लिए कि सेवा होती क्या है। सो इसलिए उनको भगवान सेवक कहते हैं। एक होते हैं भगवान, एक होते हैं भगवान सेवक। जैसे कृष्ण को भगवान कहते हैं और बलराम जी को भगवान सेवक कहते हैं। बलराम जी और संकर्षण जी, आनंद देव, ये हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, मगर हैं गॉड। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ, नहीं, अलग तरीके के लोग हैं। एक तो गॉड हैं, एक हम लोग हैं, और एक बीच के भी लोग हैं, भगवान सेवक। मतलब भगवान होते हुए भी अब उनके उनके अंदर उनकी जो भावना है वो भावना है कि मैं सेवक हूं। इसी तो उस सेंस में, मतलब बलराम जी तो बलराम जी और आनंद जी सारी सेवाएं करते हैं भगवान की, सारी सेवाएं बलराम जी करते हैं। मतलब भगवान के जूते, चप्पल, भगवान का जो धाम है, सब बलराम जी हैं। और बलराम जी भगवान के फ्रेंड भी हैं, साख्य भाव में भी हैं, और फिर दास्य भाव में भी हैं। दास्य भाव में मतलब बड़े भाई की तरह हैं, वात्सल्य भाव में भी हैं, दास्य भाव में भी हैं, चप्पल बन गए, और माधुर्य भाव में भी हैं, गोपी भी बन गए। बलराम जी कौन सी गोपी हैं, किसी को पता है? अनंग मंजरी है भगवान की लीला में, अनंग। तो पांचों रसों में बलराम जी की सेवा है, पांचों रसों में। दास्य रस में चप्पल की तरह, सीट की तरह, और धाम की जमीन भगवान है, बलराम जी हैं। और फिर साख्य रस में भगवान के फ्रेंड भी हैं, वात्सल्य रस में भगवान के बड़े भाई हैं, और माधुर्य रस में गोपी भी हैं, और ऑफ कोर्स शांत रस में भी, शांत रस में तो धाम ही हो गए, तो शांत रस भी हो गया, या शांत रस में। और दास्य रस में भगवान की रक्षा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जब भगवान फॉरेस्ट में खेलने जाते हैं। नहीं, रोहिणी माँ कहती हैं कि भी, यशोदा माँ कहती हैं बलराम जी से कि भगवान की, कृष्ण की प्रोटेक्शन करना, कृष्ण की रक्षा करना, कहीं कोई असुर उसको मार ना दे, कुछ हो ना जाए। तो इस तरह से बलराम जी पांचों रसों में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। इसीलिए बलराम जी का मतलब है बल, बलराम जी बल देते हैं, जैसे कृष्णा बलराम है हमारे साथ, बलराम जी बल देते हैं भगवान की सेवा करने का, सेवा बल देते हैं, यूं कह लीजिए। और सेवा बल कैसे आती है, कृपा बल से, भगवान की कृपा से
सेवा करने का उत्साह मिलता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में कृष्ण बलराम की स्थापना की है, क्योंकि मतलब राधा कृष्ण की भी कर सकते थे, कृष्ण बलराम की स्थापना की क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है और प्रचार के लिए बल चाहिए होता है, सेवा के लिए बल चाहिए होता है, इसलिए कृष्ण बलराम की उन्होंने स्थापना की। इसीलिए बलराम जी का एक नाम है अनंत, तो मैं कल बता रहा था अनंत का एक और मतलब है जिनकी सेवा का कोई अंत नहीं है, अनंत। इसीलिए भगवान की जो विष्णु की जो सीट है उसका नाम क्या, शेषाशयी है ना, अनंत शेष भी तो कहते हैं, अनंत शेष भी कहते हैं। तो शेष का मतलब क्या होता है, शेष का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ है। तो बलराम तो भगवान के विष्णु जो को की जो सीट है उनको अनंत शेष भी कह देते हैं। शेष क्यों कहते हैं, अनंत मतलब जिनकी सेवा का कोई अंत नहीं है और चाहे कितनी ही सेवा करते रहे फिर भी उसका कोई शेष नहीं है, कुछ ना कुछ सेवा बची रहेगी हमेशा, कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा, कभी भी एंड नहीं हो सकता। मतलब आप अनंत का हो तो उसका मतलब है कि भाई भगवान की सेवा का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, कभी तो अंत हो सकता है, ठीक है, कोई अंत नहीं है, बहुत सारी सेवाएं, पूरी सेवा हो गई, खत्म हो गया, नहीं, शेष। शेष मतलब हमेशा सेवा कुछ ना कुछ रहेगी, भगवान की सेवा कभी अंत नहीं हो सकती, अंत होने के बाद भी कुछ ना कुछ रहेगी। नाउ दैट्स द होल पॉइंट, उसको अनंत शेष कहते हैं। सो बलराम जी एक्सपर्ट है सेवा करने में। ओके, सो दैट्स अबाउट अनंत शेष। भागवत तामसी, बलराम जी अनंत शेष का, अनंत शेष की बात हो रही है, ऐसे उनका अनंत शेष का एक नाम है तामसी, इसलिए तमस एक भगवान का ही नाम है। शास्त्रों में जितने भी शब्द हैं वो भगवान के नाम है, जैसे सत किसका नाम है, सतनाम वाहे गुरु, सीधा सत सत नाम भगवान का एक नाम है, सत सत भगवान का ही नाम है, ओम तत् सत गीता में आ रही ना, तो भगवान सत इसलिए कहते हैं क्योंकि सत्य हैं, सत इसलिए कहते हैं क्योंकि नित्य हैं, इसलिए सत है भगवान का नाम। ऐसे ही रजोगुण, रज भी भगवान का नाम है, रज, रज मतलब क्या होता है, धूल भी होता है, नहीं रज, रज का मतलब धूल भी होता है, और हाँ क्या कह रहे हो, और रज का मतलब होता है एक्शन, एक्शन भी होता है, कुछ क्रियाएं। सो कृष्ण भगवान का नाम है, रज भी है शास्त्रों में, क्यों है रज, क्योंकि संसार की सारी क्रियाएं भगवान विष्णु पे आधारित हैं, उनकी इंस्पिरेशन से होती हैं, संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं वो भगवान की दृष्टि से हो रही हैं, अगर भगवान दृष्टि नहीं डालेंगे तो कुछ चलेगा ही नहीं। नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं समय के रूप में संसार में प्रवेश कर जाता हूं और सारी चीजें चलती हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्था सर्वम प्रवर्तते, प्रवर्तन मतलब चलना, सब कुछ मेरी शक्ति से चल रहा है, तो चलना मतलब रजोगुण, इसलिए भगवान विष्णु का नाम रज। भगवान विष्णु का नाम तमस भी है, तमस भी है, तो तमस का मतलब है, प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पॉपट में, क्योंकि वैसे बहुत इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं, ईश्वर सबके हृदय के रूप, हृदय में संकर्षण के रूप में स्थित है। भगवान विष्णु की जो अनंत शेष जो शैया है उनका सोर्स क्या है, संकर्षण, संकर्षण वैकुंठ में। मतलब ऐसे है कि कृष्णा बलराम तो वृंदावन में हो गए सबसे ऊपर, फिर कृष्ण भगवान से आए कौन, नारायण वैकुंठ में, और नारायण से कौन आए फिर, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम और वसुदेव, जो हाँ नहीं नहीं विष्णु कृष्ण से आए वैकुंठ में। तो मतलब वैकुंठ में जो नारायण है फिर वो चतुर्व्यूह में एक्सपैंड होते हैं, समझ गए, नहीं समझ गए, वसुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम, मगर जो संकर्षण है वो बलराम जी से आते हैं, वैकुंठ में जो संकर्षण है वो बलराम जी से आते हैं, वसुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम वो नारायण ही एक्सपैंड कर जाते हैं,
तो वैकुंठ में नारायण होते हैं और उनके चारों तरफ चतुर्व्यूह होते हैं, और तो इसलिए वैकुंठ में संकर्षण कहते हैं और बलराम जी को कहते हैं महासंकर्षण, महासंकर्षण। और फिर ये जो संकर्षण है इनसे इनसे कौन आता है जो, हाँ, जो नारायण है उनसे आते हैं विष्णु, गर्भोदक्ष है, शिरोदक्ष है और कौन से, कर्णोदक्ष है, तीनों नारायण से आते हैं। और जो संकर्षण है उनसे आते हैं उनकी सीट अनंतशेष, तीनों की सीट संकर्षण से आती है, तो इसलिए वो संकर्षण होगा, है नहीं? तो समझ गए सारा ये जो ऐसे चल रहा है। तो बलराम जी महासंकर्षण हो गए, फिर वैकुंठ में संकर्षण हो गए, फिर वही संकर्षण, वही संकर्षण इस संसार में शेषाशय हो गए, जिसको अनंत शेष कहते हैं। दैट्स हाउ इट गोस। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ईश्वर सबके हृदय में संकर्षण रूप में स्थित है। जब कोई असुर अपने आप को परमेश्वर से एकाकार मानता है तो ईश्वर उसे अंधकार में धकेल देते हैं। सो भगवान ही लोगों को उठाते हैं और भगवान ही लोगों को गिरा देते हैं। कौन सा श्लोक है गीता में? नहीं, ऊपर उठाते हैं और नीचे गिरा देते हैं, कौन सा श्लोक है? गीता का श्लोक है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजस अधो तिष्ठन्ति तामस। भगवान कह रहे मैं ही लोगों को ऊपर ले जाता हूं और मैं ही लोगों को नीचे, उसके बाद भी श्लोक है, मैं ही उनको जन्म मृत्यु में डाल देता हूं। सो एक्चुअली इससे पता लगता है कि अगर ध्यान से सोचोगे तो इससे पता लगता है माया कुछ है ही नहीं, माया भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान ही कर रहा है माया के द्वारा। अगर ध्यान से सोचोगे तो ये भगवान की तो शक्ति है, कोई इंडिपेंडेंट थोड़ी ना है भगवान के। इसलिए शास्त्रों में उपनिषदों में बोला जाता है कि भगवान ही लोगों का को गिरा देते हैं और भगवान ही उठाते हैं अपनी माया के द्वारा, वो बात अलग है। मगर सब कृष्ण इज अ मास्टर प्लानर, सबके पीछे कृष्ण ही है। तो भगवान का नाम एक तमस भी है, इसलिए शास्त्रों में तमोगुण की पूजा भी है, इसलिए स्तुति भी है तमोगुण की। जैसे मैंने बताया था, जैसे ओम पापाय नमः पाप के, ओम अधर्माय नमः, क्योंकि अधर्म क्या है, अधर्म भगवान की पीठ है, भागवतम में आया है। ओम तमसाय नमः, तम तमोगुण की स्तुति। एक्चुअली ये अलग तरह की दृष्टि है, मतलब जो डिपेंड करता है, मतलब जो बिल्कुल नए होते हैं वो माया से डरते हैं और जो एडवांस्ड होते हैं वो भी माया से डरते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक तरफ तो माया से डरते भी हैं मगर दूसरी तरफ हमें पता है कि माया स्वयं भगवान ही है, दोनों चीजें पता है हमें। नाउ दैट्स वो भक्ति से समझ आता है धीरे 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 धीरे। मतलब समझ लो कि शेर है मगर शेर क्या है, भगवान का पालतू है। शेर तो खतरनाक है ही नहीं, आप किसी घर जाओगे, आप किसी घर जाओगे वहां पे शेर खड़ा है तो डरोगे नहीं डरोगे, मगर फिर कहेंगे ये शेर तो भगवान का सेवक है। ठीक है बट डर तो लगता ही है नहीं। सो इट गोज लाइक दैट। तो भगवान का नाम एक तमस है, क्योंकि ऐसी विस्मृति भगवान संकर्षण द्वारा उत्पन्न की जाती है, इसलिए कभी कभी उन्हें तामसी भी कहा जाता है। भगवान संकर्षण के रूप में हमें भुला देते हैं सब कुछ, ज्ञानम स्मृति अपोहनम च। वसुदेव के रूप में ज्ञान देते हैं, स्मृति आती है, और संकर्षण के रूप में भुला देते हैं। स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वो जो श्लोक है वो, ये सारा जो हमें याद कराना भुलाना, ये सारे चतुर्व्यूह का काम है। नारायण के जो चतुर्व्यूह हैं वो फंक्शन करते हैं सब कुछ है। वो सारा डिटेल्स में टीचिंग लॉर्ड चैतन्य में प्रभुपाद ने समझाया। तामसी शब्द से यह इंगित नहीं होता कि उनका भौतिक शरीर है, वह सदैव दिव्य है, किंतु तामसी कार्य के कर्ता शिवजी का परम आत्मा होने के कारण संकर्षण कवि तामसी भी कहलाते हैं। तामसी तमस भगवान का इसलिए भी नाम है क्योंकि संकर्षण के भक्त हैं शिवजी। शिवजी संकर्षण अनंत शेष पर ध्यान लगाते हैं और शिवजी का काम है भूत पिशाचों को और भूत पिशाच जैसे लोगों को कंट्रोल में करके रखना, इसलिए उनका नाम है पशुपतिनाथ। सुना है ना,
कहाँ है पशुपतिनाथ? नेपाल, नेपाल में मेन, नेपाल में ही है पशुपतिनाथ। तो उनका काम है कि वो गंदे लोगों को, मलेच्छ को, यवनों को और भूत जैसे लोगों को, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। जो उनके लिए जो धर्म है वो शिवजी डिजाइन करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि इस्लाम में, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में जो वो नहीं है काबा, काबा है ना उनका मक्का, तो वहां पे बीच में शिवलिंग पड़ी है, कहते नहीं कहते हैं? तो इनफैक्ट इनफैक्ट भविष्य पुराण में ही आता है, भविष्य पुराण में आता है कि एक तो जब ये, तो जब ये क्या कहते हैं, जो वो शिवलिंग थी, तो वो पहले एक एक बहुत, तो भारत में एक राजा था वो पूजा करता था उस शिवलिंग की। तो फिर उसके बाद भगवान शिव ने कहा कि तुम ये शिवलिंग छोड़ दो और ये, और यहां से अपना राज्य छोड़ के इंडिया वापस चले जाओ, मतलब पीछे चले जाओ तुम, क्योंकि यहां पे मेरा एक बहुत बड़ा भक्त आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद और उसके द्वारा मैं प्रचार कराऊंगा। सो वो शिव जी हैं वहां पर, मतलब इस्लाम के जो अल्लाह तो शायद कृष्णा ही है, बट जो उनके जो आचार्य हैं वो शिव जी हैं, मतलब शैव संप्रदाय हो गई इस्लाम अगर ध्यान से सोचें तो, रुद्र संप्रदाय। तो शिवजी का डिपार्टमेंट है धर्म का प्रचार, और धर्म किस तरह प्रचार करना है, क्या धर्म होना चाहिए वहां पे, उसको बोलता है मलेच्छ धर्म। उन लोगों का धर्म मलेच्छ धर्म है। मलेच्छ धर्म मतलब नहीं कि गंदा धर्म है, मलेच्छ धर्म मतलब जो मलेच्छों के लिए धर्म है। हमारे धर्म को बोलते हैं सनातन धर्म। तो वो शिवजी का डिपार्टमेंट है, वो संभालते हैं सब। सो ही डज व्हाटएवर ही डज। सो वो शंकरशन की पूजा करते हैं, इसलिए उनको तमोगुण कहते हैं, इसलिए वो तामसी, इसलिए उनको तामसी भी कहते हैं भगवान को। तो उनका एक नाम तामसी भी है। समा आख्यान अनंता इति सातवतीय दृष्ट दृश्यो। और जो भक्त हैं, जो शिवजी उनका आराध्य करते हैं, संकर्षणम अहम इति अभिमान लक्षणम। तो संकर्षण कब डालते हैं लोगों को तमोगुण में? जब उनमें अभिमान के लक्षण आ जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं हर एक को डाल देंगे। मैंने पहले बोला था कि इस गेम आपसे शुरू होगा और कुछ नहीं है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण आप पे प्रभाव नहीं डाल सकती अगर आप नहीं चाहते तो। बस हम चाहते हैं इसलिए हम पे प्रभाव डालते हैं। वेल, आप कहोगे हम तो नहीं चाहते मगर फिर भी प्रभाव चलता रहता है। मगर ऐसा नहीं है, वो हमें लगता है कि हम नहीं चाहते इसलिए हम पे प्रभाव हो रहा है, मगर अंदर ही अंदर हम चाहते हैं। नो, देयर इज अ डिफरेंस। नहीं हो सकता है कॉन्शियस माइंड में नहीं चाहते होगे, बस सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड समझते हो ना आप लोग, कैसे कहेंगे, चेतन मन, अचेतन मन, अंदर से हम चाहते हैं। और इसीलिए तो जैसे जैसे मान लीजिए आप कहो भी मुझ में तो क्रोध नहीं है, मगर सिचुएशन आएगी तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो अंदर भरा हुआ है ना। आप कहो चलो अभी तो सबको सही चल रहा है, हमें तो काम वासना नहीं है, सब अच्छा है, सिचुएशन आएगी तो फिर वो चीज बाहर आ जाएगी, जब विषय वस्तु आएगी तो बाहर आ जाएगी वो चीज। तो अंदर है, हम कई करोड़ों जन्मों से कई कई चीज चाहते हैं और उसकी वजह से हम पे माया प्रभावित डालती रहती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी वो इच्छा कौन देख रहा है? वो इच्छा परमात्मा देखते रहते हैं संकर्षण के रूप में, वो देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको वेग देते रहते हैं, ये चल रहा है। इसीलिए अगर माया को जीतना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, असंकल्पात जयेत कामा। नहीं, दस वन हमने पढ़ा था भागवत में, नारद मुनि कह रहे हैं संकल्प से आप जीत सकते हो। अगर हम भोग करने का संकल्प लेंगे, हम भोग नहीं करेंगे, बस दैट्स ऑल। उसके लिए रोकना पड़ता है अपने आप को, बट अगर आप रोक लो अपने आप को तो माया का प्रभाव इमीडिएट खत्म हो जाएगा। हो सकता है अब ये नहीं पता लगे आपको, मगर धीरे धीरे आपको इमीडिएट पता लग जाएगा। जैसे ही आप भोग रोकोगे, इमीडिएट माया का प्रभाव खत्म हो जाएगा और भगवान अपने कंट्रोल में ले लेंगे आपको, और इमीडिएट ब्लिस आ जाएगा। आप कभी भी ट्राई करके देख लो, कभी ट्राई करके देख लेना, आ जाएगा। सो अभी उसको कहते हैं अभिमान लक्षण। ये अभिमान का डिपार्टमेंट, अहंकार का डिपार्टमेंट कौन किसके पास है? संकर्षण के पास, बलराम जी के पास। वो सब जीवों में अहंकार डाल देते हैं और उस अहंकार से हमें लगने लगता है कि मैं भी कुछ हूं। जैसे वो नहीं कह रहे, जैसे हम कल नहीं गए थे, कल आ रहे थे हम कार में,
तो पेट्रोल पंप पे, मतलब पेट्रोल पंप पे सारी लड़कियां पेट्रोल डाल रही थी। आजकल हो गया है नहीं, पेट्रोल पंप पे भी लड़की, मैं तो पहली बार देख रहा था, सारी लड़कियां थी, और टोल बूथ पे भी लड़कियां बैठी होती हैं अब। क्यों? क्योंकि उनमें भी होता है, हम भी कुछ करके दिखाएंगे, हम भी भारत की बेटियां हैं नहीं कहते नहीं, कुछ करके दिखाएंगे। दैट्स ऑल, ये सब अहंकार है और कुछ नहीं है। है फेमिनिज्म, वो अहंकार ही है, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। हस्बैंड की सेवा करनी है तो गुलामी है, अगर बाहर लोगों की सेवा हाँ करनी है तो हाँ, वो बाहर भी गुलामी है और कुछ नहीं है। बाहर तुमको लग रहा है कि हम कुछ करेंगे, वही तो, मगर बाहर भी गुलाम है, बाहर तो और गंदी तरह शोषण होगा उनका, मगर हम कुछ कर रहे हैं यहाँ। सो दैट्स, ये जो बीमारी है ना, कुछ करके दिखाएंगे, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये सब में तो लगी पड़ी है। सभी तो कहते हैं हम भी IIT में जाएंगे और हम भी फिर कुछ करके दिखाएंगे, या हम भी MBBS करेंगे और फिर हम भी रिसर्च में जाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। पेरेंट्स भी कहते बेटे कुछ करके दिखाना है बचपन से ही। ये सब नॉनसेंस है, अहंकार है। हमारा फॉर्मूला है हम कुछ नहीं करते। प्रभुपाद कह रहे हैं एक लेक्चर में, वी आर पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट समझते हो क्या है वो? नहीं नहीं, निराशावादी हम। प्रभुपाद कह रहे हैं हम निराशावादी हैं। हम अब हमसे कोई पूछेगा आप कुछ करके दिखाओगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ करने का, हम आराम से बैठेंगे और चैंटिंग करेंगे। ऑफकोर्स हम सबको ये सिखाएंगे कि कुछ नहीं करना है। सवाल उसके लिए थोड़ी मेहनत चाहिए क्योंकि वो दूसरों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, क्या कहते हैं उसको पंजाब में, ठंड रखो, वो सिखाना बहुत गर्म हो चुके हैं। आराम से ठंड रखो, आराम से रहो, खेतों में रहो, आसमान के नीचे, थोड़ी खाना उगाओ, दूध पियो, आराम से रहो और भजन करो, और दैट्स ऑल, वो लाइफ है, सिंपल सिंपल लाइफ है। मगर वो चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली जापान में। जापान में आप समझा के दिखा दो इम्पॉसिबल है। जापान में तो मुझे लगता है वर्णाश्रम असंभव है, क्योंकि वहाँ के लोग वर्कहॉलिक हैं, उनको काम करने की आदत लगी हुई है, मतलब वहाँ तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर स्ट्राइक होती है तो ज़्यादा काम बढ़ा देते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो कैसे, हमारे कोई गुस्सा हो जाए मैं नहीं करूँगा, वहाँ कोई गुस्सा हो जाए मैं डबल कर दूंगा, डबल कर देता है वो काम, ट्रिपल कर देगा, तो उससे क्या होगा, मतलब उससे तो और गड़बड़ हो जाएगी। मतलब फैक्ट्री में अगर गुस्सा हो जाए लेबर, तो कहें यहाँ पर इंडिया में कहते हम नहीं काम करेंगे, तो मालिक कहते ठीक है मत कर, वहां पे कहेंगे हम डबल काम कर देंगे, तो प्रोडक्शन इतनी कर देंगे, बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, मालिक, अब मालिक के तो सर पे आ गए सारे प्रोडक्ट, वो बेचेगा कहाँ, उसको तो पूरा ही लॉस हो जाएगा, तो उसको बात माननी पड़ती है, क्योंकि पैसे तो उसके खर्च हो गए ना, सारे पैसे खर्च हो गए। जैसे हमारे पैसे वर्णाश्रम में, तो हमारे यहाँ मान लीजिए अनुत्तम गुस्सा हो जाए, तो अनुत्तम कहेगा मैं काम नहीं कर रहा, तो ठीक है अभी अनुत्तम ठीक है चले जाओ, फिर लड़ाई हो जाए सपोज, फिर हम कहेंगे चलो किसी और को बुला लेते हैं, संजय को बुला लेते हैं, करवा देगा। अगर तुम उल्टा कर दे, कह दे ठीक है बेटे अब सारी सबसे ईंटें मंगवा ली रातों रात, और मंगवा मुंह को बनाना शुरू कर दिया, अब वो पैसे किससे मांगेगा, पैसे भी है जाओ उनसे मांगो मेरे पास तो है नहीं, अब तो ईंटें आ गई, सीमेंट की बोरियां आ गई, बहुत सारी आ गई, उन्होंने बोल दिया भाई पैसे दे देंगे, फिर तो अब लड़ने तो हमारे पास ही आएगा, वो तो फंस गए हम, तो वो बहुत बुरा है। देयर दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक। सो दैट्स हाउ इट गोज, या काम, तो उसको बोलते हैं अभिमान। जब ये अभिमान आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब जब अभिमान आ जाता है, तो भगवान हमसे, जैसे वो गुस्सा हो गया तो काम करने लगते हैं डबल, तो जब अभिमान आ जाता है तो फिर हमें और काम करने का उत्साह आ जाता है भगवान अंदर से। भगवान एक्चुअली भगवान की जैपनीज पॉलिसी है मुझे लगता है, और काम करा दो और काम करा दो इससे और काम करा दो, एंड देन ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता तो पागल हो जाता है। सो अभिमान है, तो बेस्ट है हमें कुछ नहीं करना है संसार में, दैट्स ऑल फिनिश। हाँ भगवान के लिए तो हम कर सकते हैं, मगर इस संसार में हम कुछ नहीं करना। सो मन शांत रहेगा, भक्ति करो बस, और दूसरों को भक्ति सिखाओ।
दूसरों को भक्ति सिखाने के लिए मेहनत करनी होती, वो बात अलग, अपने लिए कुछ नहीं करते हम। दैट्स ऑल। अभिमान लक्षणम या संकर्षणम इति आचक्षते, इसीलिए संकर्षण को संकर्षण बोला जाता है। संकर्षण जैसे जो मैंने अनंत शेष का मतलब बताया नहीं, तो ऐसे संकर्षण का मतलब ये, संकर्षण का मतलब जो किस कैसे बना है संकर्षण शब्द, सम्यक कर्षणम च, कर्षणम मतलब होता है, कर्षण मतलब होता है आकर्षण, खींचना, कर्षण मतलब होता है वैसे खींचना, तो संकर्षण होता है जो पूरी तरह खींच ले आपको। तो अगर आप में अभिमान आ गया तो तो संकर्षण पूरी तरह आपको खींच लेंगे काम वासना में, निहत्ते हो जाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप, पूरी जकड़ में आ जाओगे। काम वासना की तो जकड़ में आ ही जाते हैं, एक बार वेग आ जाए तो फिर छूटता थोड़े ना, एक बार वेग आ जाए तो कान से धुएं निकल जाते हैं, आप रुकोगे नहीं, आप फिर तो करके ही मानोगे, फिर रोक नहीं सकते अपने आप को। सो संकर्षण होता है, उसको पूरी तरह आपको खींच लेंगे काम वासना में, काम क्रोध लोभ मोह में निकल नहीं सकते उसको। जैसे नींद भी ऐसे ही है, नींद भी ऐसे ही है, एक बार नींद के चंगुल में आ गए तो फिर आप फिर नहीं निकल सकते, एक बार चंगुल में आ गए फिर नहीं निकल पाओगे एक बार आने लगे तो फिर नहीं रोक सकते आप, तो बेटर उसको आने ही मत दो। अब वो कैसे करोगे, वो कर सकते हो अनुशासन से, वरना तो आ जाएगी अपने आप, फिर आप नहीं, फिर झगड़ते रहोगे, रोक नहीं सकते आप। सो उसको कहते हैं संकर्षण। ओके, सो दैट संकर्षण। इस सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान अनंत के सहस्त्र फनों में एक फन के ऊपर रखा हुआ है विशाल ब्रह्मांड सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है। यस्य इदम क्षिति मंडलम, संस्कृत में बहुत अच्छा है, यस्य इदम क्षिति मंडलम, ये जो इदम, ये जो संसार है, जो पूरा ब्रह्मांड है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल भू भुवर स्व महर्जनस तपसत्य, ये 14 लोक हैं। क्षिति मंडलम, क्षिति मंडलम मतलब होता है ब्रह्मांड, तो मंडलम मतलब होता है, तो मंडलम पता ना, ये तो मध्वाचार्य का सॉन्ग भी है बहुत, ये शंकराचार्य ने भी लिखा है, मंडलम रंजनम, कैसे सॉन्ग है किसी को पता है? क्या है, अखंडलम मंडलम रंजनम सुमंडलम, ऐसे सॉन्ग चलता है उसका। तो मंडलम, मंडल होता है, तो मंडल का मतलब होता है, मंडल तो पता है, मंडली समूह, समूह। और क्षिति मतलब होता है, क्षिति वैसे कहते, क्षिति वैसे धरती का नाम होता है। सो जो 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 पृथ्वी का, पृथ्वी के साथ जो सारा समूह है, मतलब 14 लोक, मेन तो पृथ्वी है ना, भू भू पृथ्वी सेंटर में है, और उसके दोनों तरफ जितने भी लोक हैं, तो क्षिति मंडलम जो भी 14 लोक हैं, भगवतो अनंत मूर्ते सहस्त्र शिरस, वो अनंत शेष के एक फन के ऊपर है, सारे के सारे सरसों के दाने की तरह। यू कैन इमेजिन कितना बड़ा साइज, साइज ही कितना बड़ा होगा उनका, सारे ब्रह्मांड, सिर्फ धरती नहीं पूरा भू भूवर स्व एक सरसों के दाने की तरह पड़े हुए हैं, बस 14 के 14 ऐसे, इतने छोटे 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 एक फन पे चारों तरफ मंडल के। नहीं 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 नहीं, एक फन है उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 14 बस सरसों के दाने की तरह ऐसे पड़े हुए। अब आई डोंट नो कितना बड़ा साइज होगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम भगवान का साइज, मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड है उनका साइज। सो साइज डायमेंशन उनका दिया नहीं है क्या है, बट आई डोंट नो। और भगवान अनंत के फन की तुलना में यह नगण्य है, बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे एक्चुअली एक्चुअली क्या कौन था, भक्ति तीर्थ महाराज तो भक्ति तीर्थ महाराज एक बार प्रभुपाद से मिलने आए, तो बोल रहे थे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद जी हमने इतनी डिस्ट्रीब्यूशन की, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इतने मंदिर बनाए और इतना सब कुछ किया, मतलब बोल रहे थे कि हम मैंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, तो प्रभुपाद को गुस्सा आ रहा था, तो बोल रहे थे कि मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रभुपाद गुस्सा आ रहा था, उन्होंने कहा मैंने फिर इतने डिवोटीज बनाए, प्रभुपाद को और गुस्सा आ गया, तो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या, वो तो अपनी रिपोर्ट दे रहे थे कि भी मैंने ऐसे ऐसे किया, तो उनको लगा प्रभुपाद खुश होंगे,
तो उन्होंने कहा फिर मैंने इतने डिवोटी होना, प्रभुपाद की आंखें बिल्कुल फट गई पूरा। तो मालिक सुनाज कह रहे थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा प्रभुपाद की आंखें लाल हो गए, तो वो तो एक दिन तो डर ही गए। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि प्रभुपाद ने दो तीन चीजें कही, बट प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज भी बैठे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज भी वो उन्होंने बोला था रिपोर्ट मत दो बट क्षमा हो। तो प्रभुपाद ने उसके बाद कहा, देखो इतना बड़ा ब्रह्मांड है और उस 14 ब्रह्मांडों में एक भूलोक है और उसके अंदर एक धरती है छोटी सी, मतलब, और वो ब्रह्मांड भी एक सरसों का दाना है अनंत शेष के सर पर, और फिर उसमें उस ब्रह्मांड में जो सरसों का दाना है, उस सरसों के दाने में एक छोटा सा पता नहीं कण है, वो धरती है, वो भूलोक है, और भूलोक में भी बहुत छोटा 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 पृथ्वी है, और उसमें से भी बहुत छोटा एक अमेरिका है, और उसमें भी अमेरिका में न्यूयॉर्क है, और उसमें न्यूयॉर्क में बहुत ही छोटा अपार्टमेंट है, और उस अपार्टमेंट में तीन लोग बैठे हैं, एक एक तमाल कृष्ण, एक एक भक्ति तीर्थ और एक प्रभुपाद और भक्ति तीर्थ सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूं दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेड। मतलब पॉइंट यह है कि हमें क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, इंफॉर्मेशन तो मिल रही है हमें, बट आइडिया ये है, इसके पीछे भाव ये है समझना कि हम बहुत छोटे हैं क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो जो अभिमान है ना, ये जो शंकरशन जो अभिमान देते हैं, जो हमें अभिमान है, वो है ही इसलिए क्योंकि हम भूल लाते हैं पूरी स्कीम, इसलिए अभिमान आ जाता है। बस अभिमान आता ही इसलिए क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भाई एक शंकरशन है, कुछ सरसों के दाने, और सरसों के दाने में एक और छोटा दाना है, उसमें भी एक दाना है, उसमें भी दाना है, उसमें भी दाना है, और हम उसमें एक बहुत ही छोटे एक दाने के दाने के दाने के दाने के दाने के दाने के में एक खुद दाना है छोटा सा एक आत्मा छोटी सी एक पार्टिकल है, एंड हम सोच रहे हैं हम बहुत महान है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं कि जो ऐसा सोचता मैं कर दूंगा वो कौन है, वसुर है, अहम करता अहम भोगी करता रहम इति मन्यते, हम ये कर देंगे। कोई किसी से लड़ता है तो कहते हैं अरे तुझे बताऊंगा मैं कौन हूं, नहीं कहते, नहीं कहते मैं कौन हूं, जैसे कि वेल हम सब मृत्यु के चंगुल में है, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए डिवोटी कभी डिस्टर्ब ही नहीं होता, तो क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं है ना, इतना सब कुछ चल रहा है संसार में, हम थोड़े ना चला रहे हैं, सारे ब्रह्मांड अनंत शेष, फिर अनंत शेष के ऊपर विष्णु, फिर उसके बाद फिर शंकरशन, फिर बलराम, फिर कृष्णा, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है, इतना बड़ा कंट्रोल चल रहा है। और दैट्स ये अहंकार सम में हम सब सोचते हैं, तो अगर अगर माया से मुक्त होना तो ये अभिमान छोड़ना पड़ेगा, और अभिमान छोड़ने के लिए याद रखोगे तो याद हमेशा रहेगा कि बहुत बड़ी फोर्सेस काम कर रही हैं, हम तो पूरे कंट्रोल में चल रहे हैं। सो ठीक है, कोई क्या प्रॉब्लम है, हम अपना जो छोटी बहुत सेवा करते रहे भगवान के लिए और फिर भगवान देखेंगे क्या करना है, अपना बेस्ट सेवा करते रहे और क्या है? मतलब भगवान की दृष्टि में तो हम जो सेवा कर रहे हैं वो ऐसे है जैसे एक चींटी एक एक चीनी के दाने को उठा के यहां से मारे जा रही है, नहीं तो अगर मान ले चींटी यहां से चीनी के दाने को उठा के वहां ले जाए और वो कहे मैंने यस आई हैव डन इट, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको कहे कि यस आई हैव डन इट, मैंने चीनी वहां से उठा के वहां डाल दी, कितना महान काम कर दिया, तो आपसे कहेगी तो आप क्या करोगे, हंसोगे नहीं हंसोगे? ओके भाई ठीक है, बिकॉज दैट्स नथिंग फॉर यू। ऐसे हमारी सेवा भी हमने कर दिया वो कर दिया, भगवान की दृष्टि में तो भगवान हंसते, तभी तो भगवान हंस रहे हैं, जरूरी थोड़े ना हमसे खुश हैं वो तो हंस रहे हैं क्या कर रहा है कर क्या रहा है ये, इसने ये सब कर दिया और ये सोच रहा है मैंने बहुत कुछ कर दिया, ही सिंपली लाफिंग, He's laughing. So, इसलिए डिवोटी को कभी गुस्सा आता ही नहीं,
क्योंकि संसार में इतने सारे लोग इतने सारे खराब काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, मगर भक्त को तो हंसी आती, कर क्या रहे हैं ये, तो चींटी की तरह है जो चीने का दाना इधर से उधर ले जा रहे हैं। इसलिए संसार में कोई कहता है बिल गेट्स मैं बहुत महान हूं, भक्तों को क्या, भक्तों को हंसी आती है क्या, अभी तो दे आर नथिंग, हंसी आती है भक्तों को तो अपने भी हंसी आती है कि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन इमेजिन यही सोच सोच के हंसी आती है कि मैं कैसे सोचता था पहले। तो भक्त डिस्टर्ब नहीं होते, मतलब तो पहले जो काम किए होते हैं वो तो याद तो आता ही है ना, हमने ऐसा किया ऐसे के, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं डिवोटीज, नए डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज को भी याद आता है, ऐसी बात नहीं है कि उनको पहले का याद नहीं आता, पहले पता नहीं क्या क्या क्यों है चीजें, टाइम वेस्ट किया, पता नहीं क्या, भक्ति तो कर नहीं रहे थे, मगर वो सब सोच के केवल हंसी आती है कि ओ दैट्स क्या कर रहे थे हम, भगवान की विष्णु माया ने सबको मोहित कर रखा है। सो दैट इसलिए तो कह रहे हैं बालावत कृपा मैत्री, क्या है वो, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, इस संसार के लोगों पे कृपा करनी चाहिए क्योंकि ये बालक की तरह हैं, बालक की तरह कह रहे हैं मैं महान हूं, बालक की तरह कह रहे हैं मैं उसको मार दूंगा, बालक की तरह कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में ले लूंगा, रावण भी कह रहा था नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में ले लूंगा। भक्त हंसते हैं रावण पे, हाँ ठीक है क्या, इट्स अ चाइल्डिश एक्टिविटी, चाइल्डिश है वो, चाइल्डिश है। सो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं प्रलय काल, तो संकर्षण, संकर्षण के फंक्शन बता रहे हैं, संकर्षण क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो जिसमें अभिमान है उनको, उनको जिसमें अभिमान है उनमें, उनमें उन, तो ऐसे लोगों को तमोगुण में डाल देते हैं, नहीं तमोगुण में डाल देते हैं, जिनमें अभिमान है उनको बुला देते हैं उनका स्वरूप। दूसरा फंक्शन है प्रलय काल में उपस्थित होने वाले भगवान आनंद देव संपूर्ण सृष्टि का सहार करते हैं, तो वह कुछ क्रुद्ध हो जाते हैं, यस्य वाह इदम काले न उपंजित हीर्ष अमर्ष। तो प्रलय काल में आनंद देव और संकर्षण का काम है सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, कर्षण का काम, एक कर्षण का मतलब होता है आकर्षण, एक तो दूसरा कर्षण का मतलब होता है क्या कहते हैं, कर्षण नहीं कहते, कृषि, कृषि शब्द आता है कर्षण से, धरती को खोद डालना, कर्षण, कर्षण कैसे कहेंगे यार, क्रश, क्रश वर्ड, क्रश इंग्लिश का वर्ड यहीं से आ रहा है, कर्षण, क्रश, कर्षण, रगड़ना, रगड़ना भी कर्षण, कर्षण रगड़ना, धरती को कर्षण कर देते हैं। तो वेल प्रलय काल में भगवान जैसे कोई धरती को जोतता है ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को जोत डालते हैं ये शास्त्रों में लिखा है, पूरा खत्म कर देंगे, पीस टू पीस खत्म कर देंगे प्रलय काल में, वो संकर्षण का काम है, वो संकर्षण करते हैं, और उनकी संकर्षण को असिस्ट करते हैं इस काम में शिवजी, क्योंकि शिवजी भक्त है ना संकर्षण के, तो जो स्वामी करेगा वो भक्त भी करेंगे, तो असिस्ट करते हैं शिवजी। तो प्रलय काल में शिवजी को करते हैं तांडव, और शिवजी के, तो शिवजी प्रलय काल में तांडव करते हैं और शिवजी के शरीर में से 8 रुद्र निकलते हैं, और वो 8 रुद्र ब्रह्मांड के कोने कोने में चले जाते हैं, और उन 8 रुद्रों में से फिर आग निकलती है, सब में से जब तांडव करते हैं आग निकलना शुरू हो जाती है। इसमें एकादश व्यूह है, क्या लिखा है, अच्छा तो 11 रुद्र लिखे हैं, तो या तो शिवजी में से हाँ 11 रुद्र निकल गए, 10 दिशाएं, पता नहीं क्यों है, भगवान जाने, रिसर्च है मुझे पता नहीं क्यों है, 10 दिशाएं होती है ना, 10 दिशाएं होती है, 11 रुद्र, 11 रुद्र निकलते हैं और पूरी संसार की सृष्टि को, मतलब एक एक शिव जो है, एक एक रुद्र है वो, मतलब समझ लो कि वो मतलब एक एक रूत एटम बम बन जाते हैं एक एक, और पूरे ब्रह्मांड में फैल के, पूरे अंत संसार में, पूरे ब्रह्मांड में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, शुरू कर देते हैं, और पूरा का पूरा था, पूरे सब जगह हजार हजार युगों तक, पता नहीं हजार युग था क्या था, हजार दिव्य युगों तक
ब्रह्मांड जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, इतनी अग्नि निकलती है, हजार हजार दिव्य योग, मतलब हजार चतुर्योग तक ब्रह्मांड जलता ही रहता है, जलते। ब्रह्मा जी की जो एज है वो कितनी है? नहीं वो तो हाँ, मतलब हजार चतुर्योग कितना हो गया, एक कल्प हो गया, एक दिन, एक कल्प जलता रहता है, इतनी आग अग्नि निकलती है, सब कुछ मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो, और फिर उसके बाद एक कल तक बारिश होती है और सब कुछ पानी में, क्योंकि अग्नि को खत्म करना है ना, पूरा पानी में चला जाता है, और फिर से अग्नि होती है, पूरा पानी एवेपोरेट हो जाता है, मतलब पूरा पूरा का पूरा स्टरलाइज कर देते हैं, एक कीटाणु भी नहीं रहे, बैक्टीरिया भी नहीं रहे, पूरी स्टरल पूरा कहते हैं इसको, मतलब आप इसको वो भी कहते हैं पैश्चराइजेशन पूरा पैश्चराइज कर दिया पूरे ब्रह्मांड को, मतलब एक बैक्टीरिया भी नहीं रहेगा फिर तो। आई थिंक पैश्चराइजेशन इसी से आई होगी टेक्निक श्रीमद् भागवतम प्रलय काल से। पैश्चराइजेशन पता है ना आप लोगों को, जो दूध को पैश्चराइज, इसी पैश्चराइजेशन मतलब उसको उसको पहले उबालते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर उबालते हैं, फिर ठंडा करते हैं, तो ऐसे करके सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। सो वो पूरे मतलब हम तो जूस को पैश्चराइज कर रहे हैं, दूध को, ये पूरे ब्रह्मांड को पैश्चराइजेशन कर रहे हैं, ये लोग अलग लेवल पे काम करते हैं इनका काम करना बिल्कुल अलग लेवल चलता है, स्टरलाइजेशन कर दिया होगा। सो दैट्स वो भगवान का क्रोध है, दैट्स हिज क्रोध। तभी तो भगवान हम पे क्रोध नहीं करते, कहते हैं मेरी बेइज्जती होगी, मैं पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करता हूं, इसको क्या करूंगा। तो भगवान कृष्ण ही सोचा था एक्चुअली, जब गोवर्धन लीला हुई थी, जब इंद्र ने ऐसे कर दिया था, तो भगवान ने ही सोचा, प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्ट्रोडोशन में कि भगवान ने सोचा कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्रोध से इस इंद्र को खत्म कर दूं, काम खत्म, या दूसरा है कि मैं इसको सबक, इसको मैं सीख दे दूं। तो भगवान ने कहा पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैं इस पे क्रोध करूंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, कि ऐसे एक चींटी पे तुमने, मतलब एक अगर हाथी चींटी पे क्रोध करे तो कैसा लगेगा, ए मैं तुझे मार दूंगा चींटी तो हाथी की बेइज्जती होगी। सो भगवान पूरे ब्रह्मांड को वो क्रोध करके जला रहे हैं, इंद्र क्या है, करोड़ों इंद्र हैं, तो भगवान ने इसलिए मारा, इसलिए भगवान हम पे क्रोध नहीं करते। इसलिए एक्चुअली इसलिए शास्त्र में भी लिखा है, अगर क्रोध नहीं करना है तो महान बन जाओ। अब महान बन के देखोगे तो क्रोध नहीं आएगा, अगर आप हाथी बन गए तो चींटी पे क्रोध आएगा ही नहीं, देख लेना अब तो हंसी आएगी, अगर आप चींटी हो तो दूसरी चींटी पे क्रोध आएगा, बस यही है। सो अगर आपको क्रोध आ रहा है किसी पे तो आप भी उसके जैसे ही हो, तभी क्रोध आ रहा है, उठा दो, नींद आ गई, थक गया होगा। सो हमें महान बनना होता है, महान मतलब महान कैसे बनेंगे, विचारों में महान बनना होगा, ने विचार उठाने होंगे, है नहीं? तो विचार कैसे उठाएं, ओके हम भागवतम समझ रहे हैं कि इतने कि ये संकर्षण है, उस पर पूरा ब्रह्मांड सरसों के दाने के समान है, उसमें एक भूलोक है, उसमें पृथ्वी लोक है, उसमें इंडिया है, उसमें राजपुर है, उसमें सेंटर है, उसमें हम ऐसे लोग बैठे हैं और उछल रहे हैं, यही कर रहे हो, मृदंग पीट रहे हैं, उछल रहे हैं एक रूम में, और हम सोच रहे हैं बहुत बड़े भक्त हैं उछल के और कुछ मतलब ऐसे ही चल रहा है, नहीं यही है और क्या है। सो अगर आपके विचार उठ जाएंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें मजाक लगने लगेंगी, फिर आप क्रोध आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। अगर किसी ने कोई सेवा भी नहीं की, आपको हंसी आएगी पहले, तो क्रोध थोड़े ना आएगा, हंसी आएगी, क्या कर क्या रहा है यार, कर क्या रहा है, इट्स वो हंसी, वो हास्य का पात्र है, और फिर आप उसको कुछ कहोगे मजाक में, आराम से बेटे कर ले कर ले कुछ कर ले भाई, वरना कुछ नहीं बनेगा। सो लाइक दैट, या उसको रिक्वेस्ट करोगे आप, क्योंकि आप महान हो गए ना, कुछ कर लो प्लीज, जैसे भगवान हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पत्रम पुष्पम यो मैं, प्लीज मुझे एक पत्र भी दे दो, फल भी दे दो, फूल भी दे दो। वो क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, उनको पता है यार किसका कुछ बनेगा नहीं, कुछ तो कर ले। सो लाइक दैट, दैट्स इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग। सो थिंकिंग एक्चुअली इसलिए लिखा है, जितने भी विकार इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपने, क्योंकि
एक्चुअली हमारे विचार बहुत संकीर्ण है, संकीर्ण विचारों में फिर विकार आते हैं, क्योंकि हम ऊपर से नहीं देख रहे ना, एक ऊपर के लेवल से नहीं देख पा रहे चीजों को, इसलिए गुस्सा आता रहता है। तो अगर हम इस दृष्टि भागवत की दृष्टि से देखेंगे तो ये सारी चीजों के ऊपर उठ जाओगे फिर आप, ठीक है चलो क्या हो गया। अगर मान लीजिए कल ये पूरा सेंटर फूट जाए, या मान लीजिए हमें निकाल दे लोग आकर, चलो निकलो मार पीट के, तो क्या, ठीक है चलो क्या हो गया, कौन सा कोई फर्क पड़ गया? कुछ नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमें याद है कि हम पूरे ब्रह्मांड में कोई वैल्यू नहीं है हमारी, है नहीं? हम संकर्षण की दृष्टि से देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से नहीं देख रहे, ठीक है? उसमें क्या है, हम रोड पे रह लेंगे, फिर उसके बाद हमसे खाना भी छीन लेंगे लोग, खाना भी नहीं मिलेगा, ठीक है चलो कमजोर हो जाएंगे और क्या होगा, फिर कपड़े भी छीन लेंगे, ठीक है क्या हुआ, ठंडा लग जाएगी और क्या होगा, फिर दवाई भी छीन लेंगे, बीमार हो जाओगे, ठीक है फिर मर जाएंगे, ठीक है उसमें क्या होगा, हम मर जाएंगे तो किसी का कुछ घाटा हो रहा है, कुछ हो रहा है घाटा? इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, सब इतने सारे जीव आत्मा में भगवान चला रहे हैं, किसी का कुछ घाटा नहीं हो, ठीक है मर जाएंगे, फिर उसके बाद मर के तो मजा आएगा, फिर मर के सबसे पहले मैं ब्रह्मांड देखूंगा जाकर कैसा है, क्योंकि अब शरीर से तो निकल गए, फिर कहीं भी आ सकते हो ना, शरीर से निकल गए फिर आप देखो, फिर ओके गुड, फिर आसमान में जाके देखोगे धरती कैसी लग रही है, संकर्षण का है, उड़ के जा सकते हो कहीं भी, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, नहीं? मैं तो एक बार देखना चाहता हूँ, जब मरूंगा तो सबसे पहले अगर विष्णु से भी लेने आएंगे तो, या जस्ट अ मिनट, पहले मुझे एक टूर दे दो पूरे ब्रह्मांड का, कहाँ क्या है कैसे, एक बार देख के तो आए, हाउ डज इट हैपन। लेकिन तो जो पापी होगा वो तो फिर नरक में ले जाएंगे ना? हाँ तो हम तो भक्त की बात कर रहे हैं ना, तो पापी से निकलेंगे। सो इंटरेस्टिंग है डेथ, तो इंटरेस्टिंग है डेथ, कोई बुरी चीज थोड़ी ना है, हम तो निकल गए ना शरीर से, इस गंदे शरीर से, और फिर हम इधर उधर फ्री हो गए एक्चुअली, हम फिर हम जा सकते हैं इधर उधर, हम तो डिवोटी है ना, हम पे तो मतलब अगर हम पे इतने लॉस काम नहीं करेंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे भगवान से तो पूरी भी हो सकती है वो। किसने? मार्कंडेय ऋषि ने बोला तो था भगवान से कि मैं माया देखना आता हूँ, तो भगवान ने दिखा दी, तो हम एक बार हम ब्रह्मांड का टूर लेना चाहते हैं तो वो हम देखेंगे कैसे होता है, इंटरेस्टिंग होगा। सो ठीक है मर जाएंगे, क्या हो गया, और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहली बार तो मरते भी नहीं है, दैट्स ऑल। सो बस एक प्रेयर हम जरूर करते हैं कि भगवान आपको भूले नहीं कभी, चाहे टूर लेते लेते भूल गए तो वो भी प्रॉब्लम है, दूसरा जन्म ले लिया। मार्कंडेय ऋषि भूल गए थे, मार्कंडेय ऋषि माया जब उन्होंने देखी प्रलय काल में, उनका दिमाग ही खराब हो गया, वो परेशान हो गए थे एक्चुअली, लिखा है परेशान हो गए थे, तो जब भगवान बच्चे को देखा तो उनको सरप्राइज हुआ, फिर उनको ध्यान आया, अरे ही वॉज रियली परप्लेक्स्ड। सो दैट्स हाउ, एक ये दूसरा फंक्शन है अनंत शेष का, दूसरा फंक्शन ये है डिस्ट्रक्शन, ही डिस्ट्रॉयस। भगवान संकर्षण के चरण कमलों में गुलाबी तथा, ये तो उनका फंक्शन है, और उनका रूप कैसा है, तो भगवान संकर्षण का कलर क्या है? क्या कहते हो? वाइटिश कलर है। फोटो नहीं देखी आपने? फोटो भी है भाई संकर्षण की, भगवान संकर्षण है और चार कुमार उनके चरणों में है, हम देख लेना फोटो भी है, तो उन वो वाइटिश कलर है, उनके उनके चरण कमल के गुलाबी तथा पारदर्शी नाखून मानो दर्पण चमकाए गए बहुमूल्य मणि के समान है, व्हाइट कलर के हैं। जब शुद्ध भक्त तथा नागों के अधिपति अत्यंत भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करते हैं शिव जी, तो उनके चरण नखों में अपने सुंदर मुखों की छाया देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनके गालों पर कान की दे दीप्यमान बालियां चमकती हैं और उनकी मुख कांति अत्यंत मोहक है। ये अनंत शेष, ये संकर्षण जी का रूप है। उसके बाद उनका रूप ही दिया है, आप जाके पढ़ना। भगवान आनंद की आकर्षक दीर्घ भुजाएं कंगनों से आकर्षक ढंग से अलंकृत हैं और पूर्ण आध्यात्मिक है,
श्वेत होने के कारण, आ गया, सफेद होने के कारण वे चांदी के खंभे से प्रतीत होते हैं। जब भगवान के शुभ आशीर्वाद की इच्छुक नागराजों की कुमारियां उनकी बाहों में अगुरु, तो भगवान संकर्षण की सेवा नागलोक के वासी करते हैं, वो उनके डिवोटीज हैं सारे नागलोक के वासी। इसलिए इसलिए जब भगवान कृष्ण ने रासलीला की थी, बलराम जी में रासलीला की थी, नहीं की थी नमन में जाकर, भगवान कृष्ण ने जब बलराम जी को वृंदन तो रासलीला, तो उस रासलीला में भी भगवान की गोपियां थी, अब वो गोपियां सारी नीचे के तो नीचे जो नागलोक है वहां से आई थी, भगवान की डिवोटी हैं सारी। तो नाग नागिन जो है एक्चुअली हमें, अरे अपने फार्म हाउस में बलराम जी की स्थापना कर देनी चाहिए, तो सारे नाग भाग जाएंगे आ जाएंगे पूजा करने, तो बलराम जी से बोलेंगे ना भगा दो आ भी सकते हैं, हो सकता है आपके पैर प्रॉब्लम है ना, वो छुएंगे तो मर जाएंगे वह इंटरेस्टिंग है बलराम जी। बाहों में अगुरु चंदन कुमकुम का लेप लगाती हैं, तो उनके स्पर्श से उनके भीतर काम इच्छा जागृत उठती है, मतलब भक्ति। उनके मनोभाव को समझकर भगवान जब इन राजकुमारियों को कृपापूर्ण मुस्कान से देखते हैं, तो वह यह सोचकर लज्जा की जाती है कि वह उनके मनोभाव को जानते हैं। तब वह मनोहर मुस्कान सहित भगवान के मुख कमल को देखती हैं, जो उनके भक्तों के प्यारे प्यार से प्रमोदित तथा मन विह्वल घूमती हुई लाल लाल आंखों से सुशोभित रहता है। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, प्रभुपद तात्पर्य में लिख रहे हैं जन्माद्यस्यतः, इसकी कमेंट्री लिख रहे हैं। तो जन्माद्यस्यतः वेदांत सूत्र में आता है ना, शुरू में भागवतम में भी आता है कि जिससे सब कुछ जन्म हुआ है। तो प्रभुपद लिख रहे हैं यहां पर कि जन्म आदि, सो यहां पर सब कुछ जन्म हुआ है। क्या जन्म हुआ? आदि, आदि भी जन्म हुआ है उनसे। जन्म आदे अस्यतः, एक तो मतलब यह है कि भगवान से सबको जन्म है क्योंकि भगवान सबके आदि है, है नहीं? आदि मतलब समझते हो ना, आदि मतलब शुरुआत है। मगर वेदांत में यह भी लिखा है कि आदि भी भगवान से आदि होता है, शुरुआत भी भगवान से शुरू होती है, एक वो भी अंडरस्टैंडिंग है। और आदि का एक और मतलब है भगवान से भी आदि जन्म लेता है। क्या पे आदि है? आदि रस, आदि रस माधुर्य रस भगवान से जन्म लेता है, इसलिए जन्माद्यस्यतः। एक इसका मीनिंग ये भी है, आदि यहां पे, आदि हाथों यहां पे मतलब को शुरुआत, आदि का दूसरा मतलब है माधुर्य रस, क्योंकि माधुर्य रस को भी आदि रस बोल देते हैं, ओरिजिनल रस। सो वो भी भगवान से जन्म होता है आदि रस। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो जो माधुर्य भाव है वो भगवान कृष्ण से आता है, और उसी माधुर्य भाव की जो छाया है काम वासना, वो भी भगवान कृष्ण से ही आती है। दैट्स हाउ इट गोस। सो अगर आप भगवान के सेवक हो तो फिर आप चूज कर सकते हो कि आपको माधुर्य रस चाहिए या काम वासना चाहिए। ये सेवक हो गए ना, फिर तो मांग सकते हो। सेवक नहीं हो तो फिर आप पे थोपा जाएगा केवल काम वासना। सो प्रभुपाद यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो वो भागवतम के पहले श्लोक में भी आता है आदि रस जन्माद्यस्यतः। इसलिए वेदांत सूत्र की रसिक कमेंट्री भी दे सकते हो आप, मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता कि वेदांत सूत्र पर रसिक कमेंट्री हो जाए, क्योंकि वेदांत सूत्र तो बिल्कुल ही फिलोसॉफिकल चल रहा है। अगर आप रसिक कमेंट्री भी दे सकते हो उस पर जन्माद्यस्यतः अन्यवद चतुर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, यही है ना पहला श्लोक, है नी? जन्माद्यस्यतः लीला अनुकृतो स्यात् शास्त्र योनित्वत्, ये वेदांत सूत्र में चल रहा है, और पूरी रस्य कमेंट्री दे सकते हो आप। पॉइंट ये है कि जैसी आपकी दृष्टि होगी वो निकाल पाओगे, है नी? अगर आप रसिक हो तो वहां से रस निकाल लोगे, अगर आप द्वेषी हो तो वहां से द्वेष निकाल लोगे। आप पे डिपेंड करता है आप क्या हो। अगर आप में दोष है तो वहां से दोष निकालोगे, आप में गुण है तो वहां से गुण निकालोगे। अगर आपको नींद आ रही है तो आपको लगेगा दूसरे में को भी नींद आ रही है मैं तो उसको भी नींद आ रही है, वो दो दो दिखाई दे रहा है। सो दैट्स हाउ इट गोज। सो जो आप में वो ही निकाल सकते हो वहां से, दैट्स ऑल। इसलिए इसलिए कहते हैं कि सिर्फ कमेंट्री पढ़ने से आप
सब नहीं निकाल पाओगे चीजें। कमेंट्री पढ़ने से तो चलो आचार्य निकाल के दे रहे हैं, मगर बाकी आप नहीं, खुद नहीं निकाल सकते, क्योंकि जहां जिस लेवल पे आप हो वही चीज निकाल पाओगे आप। तो अभी तो हम, अभी तो पूरी काम वासना भरी है, तो भागवतम पढ़ोगे उसमें से, उसमें से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप काम वासना ही निकाल रहे होगे। मगर माधुर्य अगर आप में भक्ति भाव है तो भक्ति निकाल लोगे, अगर आप ज्ञानी हो तो ज्ञान निकालते रहोगे उसमें से, ऐसे ही है बस। मगर वो भावनाएं, भागवतम तो भावनाएं देने आई है ना आपको, तो भावनाएं निकालने के लिए आप में भावना होनी चाहिए, तो वो भावना आएंगी कहां से? दैट्स अ होल पॉइंट। वो भावना आएंगी कृपा से, कृपा से भावनाएं आती हैं, इंटेलेक्चुअल एंडेवर से नहीं आती ऑफ कोर्स, बट उसमें ये बात है कि कृपा कैसे आएगी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बट पॉइंट ये है कि ये भी समझना पड़ेगा, केवल समझने से काम नहीं होगा, ये भी समझना पड़ेगा, केवल समझने से भावनाएं नहीं आएंगी, केवल उससे, उसके साथ कीर्तन भी है, नहीं श्रवण और कीर्तन, कीर्तन से कृपा आएगी। तो जो समझा हुआ है वो फिर अनुभव होगा, वो अनुभव फिर भावनाओं में बदलेगा, और फिर जब भावना आ जाएंगी तो भागवतम से आप निकाल पाओगे सही भावनाएं, जैसे रसिक लोग निकाल रहे हैं, ऐसे विश्व चक्रवर्ती ठाकुर ने निकाला ही है, मतलब वो कोई अपने मन से तो बनाया ही नहीं उन्होंने, उन्होंने कैसे निकाल लिया फिर, उन्होंने कहां से निकाल लिया? क्योंकि उसके उसके पहले जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो वैसे कमेंट्री लिख ही नहीं रहे विश्वनाथ की तरह, उन्होंने तो अलग ही एंगल से निकाल लिया रस, कहां से निकाला है? क्योंकि उनमें भक्ति थी, इसीलिए इसलिए भक्तिदास सरस्वती ठाकुर कहते थे पहले किताबें नहीं आती, पहले भक्ति आती है, किताबों से भक्ति नहीं आती, भक्ति से किताबें आती हैं। मां अब मुझे बताओ, पहले भागवतम आए या पहले सुखदेव गोस्वामी आए? तो सुखदेव गोस्वामी के अंदर भागवतम कहां से आ गई? उनकी भक्ति से भागवत प्रकट हुई है। ऑफकोर्स अब आप उल्टा भी कर सकते हो, आप भागवत से भक्ति ला सकते हो, भागवत पढ़ोगे तो वही भक्ति आप में आ जाएगी, मगर पॉइंट है सिर्फ भागवत पढ़ने से नहीं आएगी, क्योंकि भागवत पढ़ना पड़ेगा और सुखदेव गोस्वामी जैसा बनना भी तो पड़ेगा क्योंकि जब वो भागवत सुखदेव गोस्वामी के हृदय में है तब तब रस उत्पन्न कर रही है, अगर हमारे हृदय में तो उत्पन्न नहीं करेगी वो रस। तो सुखदेव गोस्वामी जैसा भी बनना पड़ेगा, नाउ दैट्स द होल आइडिया, आपको डिवोटी भी बनना, इसलिए श्रवण कीर्तन साथ में चलता है, कीर्तन से कृपा आती है, उससे भक्ति भावनाएं आती हैं, और फिर उससे भागवत समझ आने लगती है। अब भागवतम में वो निकाल पाओगे जो निकालना चाहिए, वरना भागवत तो कल्पतरु है, कह रहे हैं शुरू में ही कह रहे हैं, क्या श्लोक है वो? हाँ, निगम कल्पतरु, आप जो ढूंढना चाहोगे वो मिल जाएगा आपको, उसी में फंस जाओगे आप। वेद भी ऐसे ही है, कल्पतरु है, बट भागवत थोड़ी अच्छी तरह डिजाइंड है, क्योंकि भागवतम में इतना फंसने की चांसेस नहीं, क्योंकि व्यासदेव ने इस तरह डिजाइन की हुई है कि आप फंसोगे तो उसके अगला ही श्लोक आ जाएगा तुम बकवास हो ऐसे ही है भागवत, वो डिजाइंड ही ऐसे की है व्यासदेव ने कि हम फंसे नहीं, क्योंकि ही हैज बॉन्ड, उन्होंने बोला अभी देवी देवताओं के अकाम सर्व काम आवा, देवी देवताओं विष्णु के पास जाओ, देवी देवताओं की पूजा भी कर सकते हो, मगर फिर इमीडिएटली सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया ये भूत पिशाच जैसे देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, सिंपल, दैट्स ऑल। सो इसलिए सेफ है थोड़ी भागवत, बट नेवरदलेस स्टिल यू नीड भक्ति उसमें से रस निकालने के लिए। सो दैट्स संकर्षण। सो आई थिंक उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, कुछ कहना है कल, कल मैं कुछ और डिस्कस करूंगा, बट आप जाके पढ़ लेना, 15 ही श्लोक हैं इसके, केवल 15 श्लोक हैं इस चैप्टर के, आई थिंक सबसे छोटा चैप्टर है भागवत का, एक क्विज है, क्विज याद कर लो विच इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ भागवत, 5वें स्कंद का 25वां अध्याय है, इतना छोटा मैंने नहीं देखा एटलीस्ट भागवत में, इतना नहीं है ना कहीं भी, 15 श्लोक का चैप्टर कहीं नहीं है भागवत, गीता से भी छोटा है, गीता में भी सबसे छोटा चैप्टर 15वां अध्याय जिसमें 20 श्लोक है, तो 5वें स्कंद का 25वां अध्याय है, इसके 15 श्लोक हैं, ये आप याद कर सकते हो, इट्स अ गुड क्विज। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई हैव ये बोल दे, प्रलय का बताया कि मतलब हम हमारे आप में कुछ भी नहीं है, अगर एक दृष्टि से देखें तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और हाँ सब कुछ चल ही रहा है, और टीचिंग मॉड्यूल तो बिल्कुल अलग, और फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु लीला में भी, चैतन्य लीला में भी वासुदेव दत्त कह रहे हैं कि
जीवों के पाप मुझे महाचंद्र मामा हो गया कि अगर आप एक ब्रह्मांड को बचा भी लोगे तभी इतने ब्रह्मांड में भी क्या अंतर, हाँ तो वो कैसे समझे कि अगर मतलब अगर हम किसी को बचा ही नहीं सकते, अगर हम इतने छोटे जीव, अगर किसी का हम ज्यादा हम गुस्सा नहीं हाँ करें या देखो हम कुछ नहीं कर सकते तो वो हमें पता है, वो मॉड्यूल हमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की बात मान रहे हैं बस। भगवान कह रहे हैं प्रीचिंग करो इसलिए हम कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं बैठ जाओ हम बैठ जाएंगे, भगवान कह रहे हैं सो जाओ हम सोते रहेंगे। तो मेन वो पॉइंट है, मेन ये पॉइंट नहीं कि हम यहां पे तीर चला देंगे, वो कभी नहीं होने वाला। सो हमें उत्साह इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं, हमें उत्साह इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे स्वामी हमसे कह रहे हैं बस। ये वो फैक्टर अलग है उत्साह का, वो हाँ वो फोकस अलग है। वो भाई अर्जुन को उत्साह मारने का क्यों आ रहा है युद्ध में, इसलिए कि लड़ाई करना आता है कि वो तो पहले ही खत्म कर दिया उसने, क्योंकि भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं लड़ूंगा। सो बिल्कुल ही डिफरेंस हो गया। तो पहले में तो अभिमान है, इसमें अभिमान नहीं है। तो इसलिए इसलिए एक्चुअली इसीलिए अगर प्रीचिंग फेल भी होती है तो डिवोटी डिस्टर्ब नहीं होता, इसको पता है भाई कि भाई भगवान ने कहा था, भगवान जो कह रहे हैं मैं करता रहूंगा, अगर कभी कुछ अगर मैंने तो अपना बेस्ट किया, अगर नहीं हुआ तो चलो ठीक है फिर दोबारा कर लेंगे। मगर जो जो ये भूल गया, जो सोच रहा है कि हाँ मुझे करना है तीर चलाने, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है नहीं? मतलब मान लीजिए हमारा वर्णाश्रम प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए फेल हो गए, मान लीजिए पंजाब में टेररिज्म फैल, आतंकवाद फैल गया, अब छोड़ना पड़ेगा हमें पंजाब, खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो क्या है, तो हम डिस्टर्ब होंगे? नहीं, ठीक है कहीं और कर लेंगे, और क्या होगा। क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं, भगवान चाहते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, हम कोई तीर थोड़े ना मारना चाहते हैं कि हमने करके दिखा दिया, देखो भाई फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर तो। बट भगवान कह रहे हैं हम बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, फिर उसके बाद बेस्ट ट्राई करने के बाद भी नहीं होगा तो वो भी भगवान की इच्छा है नहीं? हमने तो बेस्ट ट्राई किया ना, वो नहीं हुआ तो भगवान की कुछ प्लान होगा, ठीक है। अब भगवान ने बोला था, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग देयर, फोकस अलग है थॉट का। नहीं है कर्मण्येवाधिकारस्ते रास्ते महाफलेषु, वही है मतलब फोकस हमारा बिल्कुल। तो एक्चुअली फोकस ही तो फर्क पड़ता है, फोकस से ही फर्क पड़ता है। ऐसे अगर आपने सोच लिया कि भी इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो क्रोधी आना बंद हो जाएगा, खत्म हो गया, फिनिश हो गया बस। कोई आपको पिस्तौल भी लगाएगा वो हंसी आएगी, हाँ भाई क्या कर रहे तुम यार, एक चीटी जा क्या कर क्या रहा है। सो दिस दैट्स अ फंक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ फोकस से आप बिल्कुल बिल्कुल मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी आपकी, बस और क्या है, दैट्स ऑल। ठीक है नहीं, ठीक है दैट्स ओके। सो इन कॉन्सिक्वेंशियल अल्टीमेटली सब कुछ भगवान क्रोध आता है तो संकर्षण जी से आता है, किसको क्रोध आता है भगवान का आता है ना लीला में, हाँ वो संकर्षण सेवा करते हैं, ये बात सही है, उनका फंक्शन है वो कर जाते हैं। भगवान में भी संकर्षण के कारण नहीं, भगवान भगवान मतलब कृष्ण में ना, कृष्ण तो मजे करते हैं ये सब करते रहते हैं बाकी लोग, तो क्रोध आता है तो संकर्षण जी उनमें क्रोध ले आते हैं। जब कृष्णा भूल जब उनको भूलना होता है मैं भगवान हूं तो योग माया उनको भुलवा देती है, भगवान की शक्तियां काम करती रहती हैं, लोगों पे कर रही है भगवान पे भी कर रही है, भगवान अलाउ कर रहे हैं अपने पे करने के लिए। जैसे योग माया भूलना होता है तो योग माया ऐड कर देती है उन पे, फिर जब याद करना होता तो योग माया हट जाती है। भगवान अपनी शक्तियों को सेवा करने का अवसर तो देंगे ही, सेवा कर रही है ना वो भगवान की, तो ये लोग भगवान सेवा की तो है तो वो, मगर वो स्पिरिचुअल तमोगुण होगा, वो ऑर्डनरी तमोगुण नहीं है, वो आध्यात्मिक तमोगुण है। अब ऐसे भी चीजें होती हैं, सो वो भगवान आ जाते हैं फिर हटा लेते हैं लाइक दैट, उनसे सेवा ले लेते हैं। खुद भगवान कुछ नहीं करते क्योंकि वो आत्मा राम है, कुछ नहीं करते वो। अगर आपको कुछ करते हैं तो फिर वेदांत सूत्र का जो सूत्र है वो कट जाएगा, है नहीं? वो कुछ नहीं करते, सही में कुछ नहीं करते, भगवान की शक्तियां काम करती रहती हैं। सो फिलोसफी के अगर सोचें लाइक दैट।
समझ गए नहीं समझ गए? दैट्स ऑल. ओके सो विल स्टॉप. इसमें इसी का फिफ्थ कैंटो 23rd. 23rd क्या? 9 बस. अच्छा सबसे छोटा चैप्टर. चलो ये याद कर लो. पांचवे स्कंद का 23वां श्लोक, 23वां अध्याय है. सिर्फ 9 श्लोक है. ये 15 है. सेकंड शॉर्टेस्ट चैप्टर 25वां अध्याय. फर्स्ट शॉर्टेस्ट चैप्टर 23वां अध्याय, 9 श्लोक. ओके जय शिला प्रभुपाद की जय. संकर्षण की जय. अभिमान की पराजय. हरे कृष्णा.